Good morning, dear students. Hope you all are well. So, students, we have completed till chapter 14. So, this is the last chapter, that is our environment. See, students, environment होता क्या है? जो भी हमारे आसपास air, plants, water, sky, soil, जो भी ये चीजें हैं, वो environment में हैं. ये हमारे आसपास की environment है. हम इसी में रहते हैं. ठीक? अब हम जहां रहते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसकी प्रोटेक्शन करें. हम कभी भी डर्टी एनवायरमेंट में नहीं रह सकते, जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो, जहां पे वाटर की क्राइसिस हो, पानी की कमी हो, जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो, हम वहां नहीं रह सकते. हमें एक फ्रेश एनवायरमेंट की जरूरत होती है. बट नाउडेज टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. हमारे पास बहुत इनोवेटिव फोन्स आ रहे हैं, हमारे पास बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे हम बहुत सारी चीजें बहुत इजीली कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट एनवायरमेंट? एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहीं रहना है. सो सम वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. आजकल बहुत सारी गाड़ियां चल रही है सड़क पे, उसमें से स्मोक निकल रहा है जो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. बहुत जगह इट ऑल्सो क्रिएटिंग नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में डंप कर रही है, वाटर रिवर्स में डंप कर रही है, उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. मीन्स पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है. तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें भी उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा. सो फर्स्ट थिंग इज डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स. हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज बंद करना होगा. इनफैक्ट द प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक टिफिन्स हमें स्टार्ट खुद से करना होगा. कि हम ये नहीं होता है कि हम अकेले कर सकते हैं, पूरा सब कुछ ठीक कर सकते हैं, नहीं, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए. हम खुद से शुरू कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अवॉइड प्लास्टिक्स. जब हम प्लास्टिक्स अवॉइड करेंगे, जब हम पेपर बैग यूज करेंगे, जब हम स्टील के टिफिन और स्टील के बॉटल्स यूज करेंगे, सो उससे कंट्रोल होगा पॉल्यूशन कहीं ना कहीं. सो फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड वन इज डोंट वेस्ट पेपर. पेपर प्लांट से आता है, प्लांट काटे जाते हैं तब उससे पेपर बनता है. सो अगर आप पेपर वेस्ट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं प्लांट को हार्म कर रहे हो. और लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि प्लांट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलता है. गॉट इट? सो वी शुड नॉट वेस्ट पेपर. नाउ द थर्ड वन इज थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन. हमारे आसपास जो भी, ये नहीं है कि वो उसने गिराया है तो वो ही फेंकेगा. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट है, तो वी कैन ऑल्सो थ्रो इट इन द डस्टबिन. बट इट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. जो भी हमारे आसपास के एरिया, ये नहीं कि घर ही बस, अपने आसपास के जो भी एरियाज हैं हमें उसे साफ सुथरी रखनी चाहिए. प्लांट ट्रीज, हमें ट्रीज प्लांट करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होती है हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में. अगर ठीक है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बहुत सारे व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारी मशीन्स यूज हो रही हैं, पर हाँ, अगर हम साथ ही साथ प्लांट अगर ग्रो करेंगे तो जो उसमें से स्मोक निकल रहा है वो कंट्रोल होगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी तो उतना ही प्लांट से मिल रहा है ना. तो वी शुड प्लांट ट्रीज. लास्ट वन इज डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन वाटर बॉडीज. हमें जो भी पानी की जगह है, जैसे रिवर, पॉन्ड्स, इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल थ्रो करने से रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए. हमें ये सब नहीं थ्रो करना चाहिए. गॉट इट क्लास? सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे अहेड.